हमजा, तुम्हें अंदाजा है कितने दिनों से हमारी बात नहीं हुई है? 3 दिन नहीं, सॉरी, 1 वीक हो गया। और इस एक हफ्ते मैंने तुम्हें कितनी दफा कॉल किया, कितनी दफा मैसेज किया और तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया है। I'm sorry यार, एक्चुअली राहिल भाई का बिजनेस इतना फैला हुआ है, सब मुझे देखना पड़ता है, सारा दिन बहुत बिजी होता। इतना बिजी कि मुझे रिप्लाई भी नहीं कर सकते? पता है हमजा, इंसान सिर्फ तब इतना मसरूफ होता है जब किसी से पीछा छुड़ाना हो या फिर जिंदगी में कोई और नया आ गया हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा है हमजा, लेकिन डर लगता है। तो अभी से इतने मसरूफ हो, आगे जाके क्या होगा? मैं समझता हूँ तुम्हारे खदशात को। अगर समझते हो तो बिजनेस वाइंड अप करके वापस आ जाओ ना, यहाँ भी तुम्हारा अपना बिजनेस है, उसका हर्ज हो रहा है। हाँ हमजा, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। बच्चों की तबीयत ठीक है? हाँ पहले से तो काफी बेहतर है। तो खैर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे? कहना तो चाहता हूँ लेकिन अभी मौका नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। तुम मुझे परेशान कर रहे हो हमजा, ताओ क्या बात है? कोई बात नहीं, तुम्हें तंग कर रहा था। अगर कोई बात होती तो तुम्हें ना बताता। तुमने मुझे डरा दिया। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर पर कॉल करता हूँ। ओके बाय। बेटा उसको बताया क्यों नहीं बात करते? देखते ना वो क्या कहती है आगे से। नहीं अभी नहीं, मुझे लगता अगर मैंने अभी बात की तो वो समझ नहीं पाएगी। तुम्हारे रिश्ते में ना ऑलरेडी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अगर तुम ठीक से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी बेटा। देखो पैसे और बिजनेस से ज़्यादा ना रिश्ते अहम होते हैं। बेस्ट यू टॉक टू हर नाउ, अवॉइड करो बाकी प्रॉब्लम्स आगे, ठीक है ना?